नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 4 हम कर रहे हैं और अभी हम करने जा रहे हैं इसका चौथा भाग। देखिए, चौथा भाग है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए बराबर है सीकेंट स्क्वेयर ए के माइनस 1 कॉट स्क्वेयर ए या टेन स्क्वेयर ए के। तो आइए इसका उत्तर हम निकालते हैं बच्चों। देखिए, हमारे पास प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो बच्चों, हमने दो सरल समीकरण की थी, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर ए के और 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए बराबर होता है को सीकेंट स्क्वेयर ए के। तो बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए की जगह मैं लिख देता हूँ सीकेंट स्क्वेयर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए की जगह लिख देते हैं को सीकेंट स्क्वेयर ए। अब बच्चों देखिए, सीकेंट स्क्वेयर ए होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए होल डिवाइडेड बाय को सीकेंट स्क्वेयर ए होता है 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसको हल करते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ये जो नीचे वाला डिवाइड है ये वाला, इसकी जगह बन गया मल्टीप्लाई और अगली जो टर्म है नीचे वाली वो हो गई उल्टी, तो ये बन गया साइन स्क्वेयर ए बटा 1। इससे हमारे पास ये आ गया साइन स्क्वेयर ए गुना 1 साइन स्क्वेयर ए बटा कॉस स्क्वेयर ए गुना 1 कॉस स्क्वेयर ए। इसका मतलब ये हो गया साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वेयर, साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए, टेन ए का होल स्क्वेयर यानी कि टेन स्क्वेयर ए। तो बच्चों देखिए, टेन स्क्वेयर ए सीकेंट स्क्वेयर माइनस 1 कॉट स्क्वेयर ए टेन स्क्वेयर ए, इसका मतलब ये टेन स्क्वेयर ए ही हमारा उत्तर है जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका सही उत्तर है। तो देखा बच्चों, हमने इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करने से हमने इस प्रश्न को हल किया और हमारा उत्तर आया है ऑप्शन डी टेन स्क्वेयर ए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा और यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी प्रश्नों के वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।